I was clear that I wanted to come to the U.S., do computer science, and you know, hope to, you know, I was not clear whether I would get to stay here, but I clearly wanted to work in the computing industry. लास्ट ईयर 2020 में माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट से 327 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिला। इस तरह की हाई अर्निंग की वजह से सत्या नडेला एक नॉन फाउंडर होते हुए भी टिम कुक और सुंदर पिचाई के बाद वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड सीईओ माने जाते हैं। सत्या नडेला के लिए माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनना काफ़ी डिफिकल्ट था बिकॉज सत्या नडेला के पास माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मर सीईओ की तरह हाई लेवल कनेक्शंस नहीं थे और ना ही सत्या नडेला ने बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को शुरुआती दिनों में ज्वाइन किया था, इसलिए ना ही कोई सिफारिश और ना ही किसी तरह का अर्ली कंपनी ज्वाइनिंग बेनिफिट के बिना आखिर हाउ सत्या नडेला बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ऐसी जॉब जो सत्या नडेला को हाई अर्निंग सैलरी के बाद भी कंपनसेशन में 327 करोड़ देती है। सत्या नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 में हैदराबाद में हुआ था। सत्या नडेला के फादर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर या फिर कॉमनली नोन एज आईएएस ऑफिसर हैं। वहीं उनकी मदर एक संस्कृत टीचर। एजुकेशन लायक एज होने पर सत्या के पेरेंट्स ने उनका एडमिशन हैदराबाद के एक पब्लिक स्कूल में करवाया कॉल्ड हैदराबाद पब्लिक स्कूल। एंड सत्या नडेला के किसी भी बायोग्राफी में उनके स्मार्टनेस और इंटेलिजेंट को हाईलाइट नहीं किया गया है। सो मे बी हम कह सकते हैं कि सत्या नडेला एक एवरेज इंडियन बच्चे की तरह स्टडीज़ में एक मोर और लेस एवरेज बच्चे ही थे। एंड इंटेलिजेंस की तरह ही सत्या के ऑनलाइन अवेलेबल बायोग्राफी में किसी तरह के स्पेशल हॉबी या फिर इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। साथ ही सत्या के पास किसी वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट की तरह अमेजिंग मेमोरी पावर भी नहीं थी। ओके, सुनने में तो सत्या नडेला काफ़ी हद तक आपकी तरह या फिर मेरी तरह ही लगते हैं। सुना मम्मी, सभी मिलेनियर्स बचपन में स्मार्ट नहीं होते। एक टीवी शो में दिए इंटरव्यू में सत्या ने रिवील किया कि अपने टीनेज उम्र में सत्या ने कभी भी इस तरह की किसी कंपनी का या फिर हाई अर्निंग सीईओ बनने के बारे में नहीं सोचा था। इनफैक्ट इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा से जस्ट ऐसा एम्प्लॉय या फिर ह्यूमन बनना चाहते थे जो बस अपना काम टाइम पर ख़त्म करके राइट टाइम पर घर जा सकें। साथ ही सत्या ये भी कहते हैं कि वो हमेशा से इकोनॉमी में इंटरेस्टेड थे एंड इकोनॉमिक्स में ही करियर बनाना चाहते थे और किसी लोकल बैंक में एक रिस्पेक्टेबल जॉब करने का ड्रीम देखते थे। वेल, ये तो था सत्या नडेला की लाइफ प्लानिंग कि वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनने से पहले क्या करना चाहते थे। बट सभी इंडियन फैमिलीज की तरह ही सत्या नडेला को भी हॉबीज और अपने ड्रीम्स देखने से पहले पेरेंट्स के ड्रीम का ख्याल रखना पड़ा। इसलिए सत्या के पेरेंट्स चाहते थे कि सत्या अपने बचपन का समय स्पोर्ट्स में वेस्ट करने की जगह स्टडीज़ में लगाएं एंड अपनी हॉबीज एंड ड्रीम्स को भूलकर सत्या ने अपने पेरेंट्स की एडवाइस को फॉलो किया एंड सत्या ने अपना करियर इंजीनियरिंग में बनाया जिसका रास्ता उनके फादर ने उन्हें दिखाया था। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री के साथ ग्रेजुएट होने के बाद सत्या नडेला के फादर ने उन्हें हायर एजुकेशन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ट्राई करने को कहा, जिसके बाद वेरियस कॉलेजेस में मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए सत्या नडेला ने अपनी कोशिशें शुरू कर दीं। एंड लकीली उन्हें द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया एंड 1990 में उन्होंने अपने मास्टर्स डिग्री भी अचीव कर ली, जहां से उन्हें सन माइक्रोसिस्टम्स में अपनी फर्स्ट जॉब मिली। हालांकि इंटरनेट पर कहीं भी इस जॉब की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है कि इस कंपनी में सत्या नडेला ने किस टाइप की जॉब की, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि सत्या ने सन माइक्रोसिस्टम्स के आईटी डिपार्टमेंट में काम किया होगा। सन माइक्रोसिस्टम में 2 साल जॉब करने के बाद फाइनली सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया, जहां पर उन्हें विंडोज एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट के इंटरैक्टिव टीवी सिस्टम पर काम करना था। माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करने के सेम ईयर सत्या ने अपनी वाइफ अनुपमा से शादी की, जो एक्चुअली में सत्या नडेला के फादर के फ्रेंड की डॉटर हैं। मैरिज एंड डिसेंट जॉब करने के बाद आफ्टर अ वाइल सत्या ने द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में MBA प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया एंड फुल टाइम माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हुए सत्या नडेला ने 1997 में अपनी MBA डिग्री रिसीव की। MBA में ग्रेजुएशन करना सत्या के लिए काफ़ी अच्छा डिसीजन था बिकॉज MBA डिग्री की वजह से सत्या नडेला ने अपने लिए माइक्रोसॉफ्ट में बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ बना ली एंड सून लेटर ऐसी अपॉर्चुनिटी सत्या के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट शो करने वाली थी।
जब माइक्रोसॉफ्ट को अपने कंपनी के कॉरपोरेट की रिकंस्ट्रक्टिंग करने की जरूरत पड़ी। एंड बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पोजीशन से रिटायर होने के बाद टाइम था माइक्रोसॉफ्ट के न्यू सीईओ का। बट अनफॉर्चुनेटली ये अपॉर्चुनिटी उसे मिली जो अपनी सिफारिश की वजह से माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े थे। बट नॉट सो बैड फॉर सत्या एंड अदर माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज, बिकॉज स्टीव बॉलमर का माइक्रोसॉफ्ट सीईओ बनने के बाद सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट में फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पोजीशन मिली एंड सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट के बी सेंटर डिवीजन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल कंपनीज को प्रोफेशनल वेब सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती थी। माइक्रोसॉफ्ट के इस डिवीजन के बारे में ना तो पब्लिक ज्यादा जानती थी और ना ही ध्यान देती थी, बट एनी हाउ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी सत्या के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट थी, बिकॉज ऐसी बड़ी पोजीशन अचीव करने के लिए किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को सेम कंपनी में काफी लंबे समय तक काम करना पड़ता है। बट माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किए सत्या नडेला को अभी 10 ईयर्स भी नहीं हुए थे एंड नाउ सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के एक सब डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। वेल, ये तो था सत्या नडेला के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। व्हाट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ? वेल, सत्या नडेला की प्रोफेशनल लाइफ भले ही अच्छे से गुजर रही थी, बट उनकी पर्सनल लाइफ इतनी स्मूथ नहीं थी। 1996 में सत्या नडेला और उनकी वाइफ ने अपने फर्स्ट बेबी जेन को इस वर्ल्ड में वेलकम किया। सत्या डिस्क्राइब करते हैं कि वो अपने फर्स्ट बच्चे के बर्थ के समय लिटिल थिंग्स में काफी बिजी थे, जैसे कि फॉर सम रीजंस कब उनकी वाइफ फिर से अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगी, या फिर कैसे वो अपने वीकेंड को एंजॉय करते हुए जेन का ध्यान रख भी सकेंगे या फिर नहीं। भले ही सत्या अपनी वर्क लाइफ के साथ ऐसी चीजों के बारे में सोच रहे थे, बट उन्हें फ्यूचर का कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज जेन के बर्थ के बाद सत्या की लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली थी। बिकॉज जेन अपनी बर्थ से पहले ही अनडिटेक्टेड एस्फेक्सिएशन, यानी कि ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलने की सिचुएशन फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से जेन के ब्रेन को काफी डैमेजेस हुए। एंड आज तक सत्या नडेला अपने बच्चे के साथ ऐसा होने के रीजंस को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समय सत्या माइक्रोसॉफ्ट को और अपने बेटे की इस परेशानी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनकी वाइफ ने अपना करियर एंड अपनी लाइफ को साइड में रखते हुए अपना पूरा टाइम अपने बेटे के साथ स्पेंड करना शुरू कर दिया है, ताकि वो अपने बेटे को बेस्ट पॉसिबल लाइफ दे सकें। ऐसा देख सत्या को ये रियलाइज हुआ कि उनके साथ सच में कुछ बुरा नहीं हुआ है, बुरा हुआ है तो उनके बेटे जेन के साथ। और अपने बेटे के लिए अपनी वाइफ की तरह बेस्ट पेरेंट बनने के लिए सत्या को ये समझना काफी इम्पोर्टेंट था। एंड ऐसे लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट के बाद सत्या की नॉट जस्ट पर्सनल लाइफ बट प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी चेंजेस आए। एंड सेल्फ रियलाइजेशन के बाद सत्या पहले से ज्यादा ग्राउंडेड, एम्पैथेटिक एंड मॉडेस्ट बन गए। सून 2000 के समय सत्या को माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस सॉल्यूशन का कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। एंड अगेन 2007 में सत्या को माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वाइस प्रेसिडेंट। इस तरह का प्रोफेशनल करियर में प्रोमोशन सत्या के लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस तरह की बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से सत्या वंस अगेन अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टू बिजी हो गए। सत्या की सेकेंड डॉटर का जन्म हेल्दी बच्चे की तरह नहीं हुआ था। एंड सिंस सत्या एंड अनु ने ऐसी परेशानियों को अपने बेटे जेन के साथ ऑलरेडी फेस किया था, इसलिए सत्या एंड उनकी वाइफ ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए अपनी बेटी के लिए ऑलरेडी रेडी थे। बट प्रॉब्लम तब आई जब सत्या और अनु ने अपनी डॉटर के लिए परफेक्ट स्कूल फाइंड करना शुरू किया, बिकॉज ऐसा स्कूल जो सत्या और अनु की डॉटर के लिए परफेक्ट था, वो स्कूल नॉट इन US बट कैनेडियन बॉर्डर के पास वैनकूवर में मौजूद था, जो सत्या और अनु के घर से 2 to 3 hours की डिस्टेंस पर अवेलेबल था। इसलिए मिस्टर एंड मिसेस नडेला ने डिसाइड किया कि सत्या और उनके बेटे जेन एक साथ अपने फर्स्ट होम सिएटल में ही रहेंगे और उनकी वाइफ अनु और उनकी दोनों डॉटर वैनकूवर में शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि उन्हें डेली 4 to 6 hours ट्रैवल ना करना पड़े। बट दोनों पेरेंट्स ने ये भी डिसाइड किया कि वो एवरी वीक वीकेंड एक साथ स्पेंड करेंगे। न्यू पर्सनल लाइफ चैलेंजेस को सॉल्व करने के साथ सत्या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज को रिसीव कर रहे थे एंड 2011 में उन्हें माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एंड टूल्स बिजनेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। एंड सून स्टीव बॉलमर के रिटायर होने के बाद फाइनली वो समय आ गया था जब माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या को एक न्यू सीईओ की जगह देखना शुरू कर दिया। एंड बोर्ड मेंबर्स के साथ हुई मीटिंग ने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बना दिया। बट बोर्ड मेंबर्स के क्वेश्चन, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनना चाहते हो, जिस पर सत्या ने कहा, यदि बोर्ड मेंबर्स चाहते हैं तो।
इस तरह के आंसर का रीजन सत्या की लाइफ जर्नी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। एंड ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के साथ बोर्ड मेंबर्स ने ऑफिशियली सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ अनाउंस कर दिया। व्हाट अ लाइफ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक या फिर फ्यूचर वीडियो आइडिया कमेंट जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।